दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है, लेकिन हीलियम एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बॉन्ड नहीं बनाता है, हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम छोटे थे तो हमें यही सिखाया जाता था कि हर एक एटम अपने नियरेस्ट नोबल गैस का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। पर वो तो बच्चों वाली बात है, इसका असली एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है क्वांटम मैकेनिक्स में। बहुत सारे साइंटिस्ट्स जैसे कि फ्रेडरिक हांड हो गए, रॉबर्ट मुलिकन हो गए, बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने मिलकर क्वांटम मैकेनिक्स को बेस करते हुए एक थ्योरी डेवलप किया था जिसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहा जाता है। तो यहाँ से इसका बेटर एक्सप्लेनेशन मिलता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि हमें वेव फंक्शन के बारे में जानना होता है, वहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव होता है, वहाँ हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, और भी बहुत सारे नियम हैं। तो उन सब को साइड में रखते हुए विदाउट एनी रिगरस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्या हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो चलिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसी पे अभी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन एटम्स मिलके बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल क्यों बनाता है। फिर हम देखेंगे कि हीलियम के केस में ऐसा क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले दो हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और इसका 1s ऑर्बिटल जो है, ये 1s ऑर्बिटल। अब हम एक दूसरा हाइड्रोजन एटम कंसीडर करते हैं, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन एटम। अब क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम्स जो है, ये दो हाइड्रोजन एटम्स करीब आते हैं, इस तरह से एक दूसरे के करीब आके ये पेनेट्रेट कर जाता है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्यूज़ कर जाता है, और फ्यूज़ करने के बाद यहाँ पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जितना नंबर एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करने से पहले, एक और दो, तो फ्यूज़ करने के बाद वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है। दोनों का एनर्जी लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग एनर्जी लेवल्स को देखें, तो एनर्जी लेवल अगर पहले एटम को हम देखते हैं, पहले एटम में हमें 1s ऑर्बिटल मिलेगा, सो इस 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है। दूसरे वाले एटम में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, और मॉलिक्यूल बनाने से अब यहाँ पर ये दो 1s ऑर्बिटल्स जो है फ्यूज़ कर जाता है और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। एक का एनर्जी लेवल इस 1s एनर्जी लेवल से थोड़ा सा कम होता है और दूसरे का उतना ही थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर इन दो ऑर्बिटल्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा ऑफ 1s और सिग्मा स्टार ऑफ 1s ऑर्बिटल। अब देखिए, ये दो ऑर्बिटल्स तो बन गए, इन दो ऑर्बिटल्स में इन दो इलेक्ट्रॉन्स को रहना है। तो इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे रखेंगे यहाँ पर? जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम सिचुएट करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स एनर्जी लेवल, कुछ नियम हम फॉलो करते हैं, जैसे कि आउफबाउ प्रिंसिपल, लोअर एनर्जी लेवल पहले भरेगा, फिर हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल वगैरह वगैरह यूज़ करते हैं। तो वही सारे रूल जो है यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले हमें लोअर एनर्जी लेवल को फिलअप करना होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को फिलअप करना है। तो लोअर एनर्जी लेवल यानी कि एस ऑर्बिटल, जहाँ पर कि दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों का स्पिन अपोजिट होगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स जो है एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं अटेन कर सकता है, तो दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो अलग अलग होगा, दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। तो यहाँ पर दिखने वाली बात ये है कि
जो एनर्जी लेवल 1s का था बॉन्ड बनाने से पहले, बॉन्ड बनने के बाद जहां इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है उसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का डाउन हुआ, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगा। अब यही तो बॉन्ड बनना है। अब इसका टोटल एनर्जी जो है, इससे इसका टोटल एनर्जी कम हुआ, मतलब इसे तोड़ना, इस चीज़ को तोड़ के वापस से इसमें कन्वर्ट करना, इसके लिए हमें एनर्जी देना होगा। हम कहते हैं बॉन्ड को तोड़ना होगा, बात वही है। सो एनर्जी के सेंस में हम इसे ऐसे देख सकते हैं। और एक सेंस है कि यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स जो है, पहले इन दो ऑर्बिटल्स को नाम दे देते हैं। अंदर वाला जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किया है, जिसे कि हम कहते हैं उसका एनर्जी लेवल थोड़ा कम है, इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। अब बॉन्डिंग क्यों कहा जाता है थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। और ये जो बाहर हमने रिप्रेजेंट किया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। ये भी क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका कि एनर्जी लेवल 1s से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है H2 में, H2 मॉलिक्यूल में, जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है, उसे मैं यहाँ पर अलग से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके जो न्यूक्लियाई है, ये दो न्यूक्लियाई यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस सेंट्रल रीजन में ज़्यादा होता है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यहाँ पर सिचुएटेड होता है, और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बाहर की तरफ पेरिफेरल रीजन में बहुत बहुत कम होता है। इसके कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो इस न्यूक्लियस को भी अपने तरफ पुल करता है और इस न्यूक्लियस को भी अपने तरफ पुल करता है, तो यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट करता है ये। तो अंदर वाला या कम एनर्जी लेवल वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बीच वाले रीजन में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में सिचुएटेड होता है, इसीलिए इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। अब एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में जो होता है वो तो हाइड्रोजन के केस में होता नहीं है, वो हीलियम के केस में होता है। तो चलिए हीलियम का केस देखते हैं क्या होगा। अब हीलियम के केस में बॉन्डिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बॉन्डिंग, उसके लिए हीलियम का एनर्जी लेवल को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। हीलियम में भी वही चीज़ होगा, ये हमने हाइड्रोजन के लिए किया था, ये हमने हाइड्रोजन के लिए किया था, अब हम जो करेंगे ये हीलियम के लिए होगा। हीलियम का एनर्जी लेवल, वैसे ही दो हीलियम एटम मान ले इस तरह से करीब आता है तो क्या होने वाला है, वही हम देखेंगे। हीलियम का भी 1s एनर्जी लेवल जो है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी तरह से दूसरा हीलियम जो होगा, उसके भी 1s एनर्जी लेवल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मान ले हीलियम बॉन्ड बना रहा है, दो हीलियम एटम, इसे अब हीलियम एटम मान ले, कि हीलियम एटम करीब आया और इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, मान ले बनाया, तो ऐसे में होगा ये कि अब ये जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा ऑफ 1s एंड सिग्मा स्टार ऑफ 1s, दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। अब ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स है, चार इलेक्ट्रॉन्स को सिचुएट करने के लिए अहबाव प्रिंसिपल से पहले तो ये भरेगा लोअर एनर्जी लेवल, फिर हायर एनर्जी लेवल। सो ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। तो पहले एनर्जी के सेंस में सोचे, एनर्जी के सेंस में अगर आप सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें किसी भी तरह का पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि आप गौर से देखें जितना एनर्जी इसका कम होगा उतना ही एनर्जी इसका ज़्यादा होगा, जितना कम यहाँ उतना ही ज़्यादा यहाँ पर, मतलब कोई एनर्जी से बेनिफिट नहीं हो रहा, कुछ एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा। दो इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी लूज कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स उतना ही एनर्जी गेन करके वहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिचुएटेड होगा। तो नेट किसी भी तरह का गेन नहीं हो रहा है कि बॉन्ड बनेगा, मतलब एनर्जी लूज नहीं हो रहा कि बॉन्ड बनेगा।
तो इस सेंस में हम समझ सकते हैं कि हीलियम में बॉन्ड क्यों नहीं बनता है। अब आते हैं कि दूसरे रीजन में जो कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन देता है हमें। वहाँ पर अगर देखें तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर सिचुएटेड है क्योंकि वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होंगे, ये कौन सा एनर्जी लेवल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेगा। सो पहले दो के लिए तो ये ऐसा सिनेरियो बनेगा। अब दूसरा दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेगा। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है, दो न्यूक्लियाई हीलियम का इस बार। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस पेरिफेरल रीजन में ज़्यादा होता है, साइड की तरफ ज़्यादा होता है, और सेंटर की तरफ यहाँ पर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़ीरो के बराबर हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। अब गौर से देखिए, यहाँ पर भीतर बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल भी होगा, यहाँ भीतर बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल भी होगा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सिचुएटेड होंगे, इस जगह पे उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो देखने वाली बात ये है कि ये दोनों मिलकर इस न्यूक्लियाई, इन दो न्यूक्लियाई को जितना अपने तरफ अट्रैक्ट करके बांधने की कोशिश करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है जो कि पेरिफेरल रीजन में है, जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिचुएटेड है, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये इसे भी रिपेल करेगा, ये जो है इसे भी रिपेल करेगा, और ये बीच वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है इसे भी रिपेल करेगा, और ये पेरिफेरल रीजन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी एक दूसरे को बाहर की तरफ रिपेल करेगा। तो इस रिपल्शन के कारण कुछ खास गेन नहीं होता है, बॉन्ड नहीं बनता है, ये तो बांधने का काम करता है, और एंटी बॉन्डिंग जो है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है या उस ऑर्बिटल में सिचुएटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है, जितना वो बांधता है उतना ही ये तोड़ता है, इसीलिए बॉन्ड बन नहीं पाता है। इसीलिए अंदर वाला या कम एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है, और ज़्यादा एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। इसके बारे में अब हमें और भी बहुत सारी चीज़ें जानना है, तो वो अब हम लोग आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे। तो ये जो पूरा प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।